एक 50 साल शख्स ने जायदाद हासिल करने के लिए अपनी ज़ईफ़ माँ की या तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल किया। ये इंतहाई शर्मनाक वाकया रियासत राजस्थान के कोटा जिले में पेश आया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 साल मुलजिम दीपक ने जायदाद की दस्तावेजात हासिल करने के लिए अपनी ही माँ के और या तस्वीर लेकर उन्हें अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर भेज दिया। दावादारी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज तारा चंद ने बताया कि दीपक के वालिद का 20 दिन कबल ही देहांत हुआ। उसके बाद हमारे पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े शिवपुरी इलाके में उनका एक मकान है। इसी मकान के दस्तावेजात हासिल करने के लिए दीपक ने अपनी माँ की अरिया तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने लगा। 75 साल बताई जाती है और 13 मई को उन्होंने पुलिस से अपनी शिकायत में कहा कि मैं अपने अनजहानी शौहर के लिए हवन करवा रही थी। इसी दौरान अचानक दीपक आया और एक स्प्रे की शक्ल में कुछ मादा मुझ पर डाल दिया, जिसकी वजह से मुझे ख़ारिश होने लगी। मैं फौरन नहाने के लिए हमाम में चली गई। इसी दौरान उसने मेरे अरिया तस्वीर फ़ोन में फिल्म बंद कर लिए। बादजा उसने उन तस्वीर को रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिए। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का उस वक्त इल्म हुआ जब उनके रिश्तेदारों ने उन्हें इस बारे में मतला किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दीपक ने मस्कुरा मकान हासिल करने के लिए यह इकदाम किया ताकि उन तस्वीर से मुतासरा खातून को ब्लैकमेल कर सके। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ ताजरात हिंद की दफा 509B और 509A के एक्ट के सेक्शन 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए।